हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद और वंदे मातरम। जनता के हर हाल की खबर अब आपके मोबाइल पर 7X हरियाणा न्यूज चैनल में। आप देख रहे हैं आज सड़कों की हालत, तो देख सकते हैं इस समय मैं मौजूद हूं यहां पर लालडांग के पास, जो कि यमुनानगर में स्थित है। और यहां से लालडांग से जो है पोंटा साहब की जो है यहां पर जो बॉर्डर है यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ से तो ये रास्ता बिल्कुल बिल्कुल ठीक मालूम होता है, लेकिन इस रास्ते की जो है ना बहुत खस्ता हालत है। यहाँ से लालडांग से लेकर क्लेसर तक की जो है ना बहुत ही काफ़ी खस्ता रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार को, शासन और प्रशासन को जो सचेत करना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है यहां पर इस रोड की जो है हालत कितनी ख़राब है। और यहां पर देख सकते हैं यहां पर कुछ भाई बैठे हैं, इनसे मैं बातचीत करना चाहता हूं। तो ये इनका जो डेली इस रोड पर आना जाना है, तो उनसे बातचीत का कुछ कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में। दर्शकों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, चैनल पर देने हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। चलिए बात करते हैं भाई साहब, क्या नाम आपका? इरफान है जी बाबू जी। इरफान भाई साहब, डेली जाते हो इस रोड से? हाँ, डेली रोज। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका ट्रैक्टर आया तो डेली आना जाना है यहाँ, तो यहाँ पर रोड की हालत क्या क्या कुछ आया? रोड की हालत तो है जी, जो हरियाणा का रोड है तो खत्म है, जो हिमाचल में पहुँच गए तो सही है जी। हाँ, मैं मतलब कि देख पा रहा हूँ यहाँ से रोड बिल्कुल हिमाचल की जो बॉर्डर है यहाँ से, तो बहुत अच्छा, मतलब कि यहाँ से बहुत मलाई वर्ग रोड पड़ा है। मलाई वर्ग है जी, लेकिन यहाँ से जो है ना जैसे ही हरियाणा में एंट्री होती है तो बहुत खस्ता हालत है। खस्ता है जी, कतई दुखी हालत है जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे शासन और प्रशासन को? प्रशासन तो बस यही कहना चाहिए जी कि सरकार ऐसी हरियाणा की, ऐसी हिमाचल की है सरकार, तो ये क्या जी, बिल्कुल जी ठीक है जी। उसके बाद सुविधा भी होनी चाहिए, बिल्कुल सुविधा कैसी होनी चाहिए कि रोड भी साफ होना चाहिए, ठीक है जी। जैसे हम इधर चल रहे हैं, इधर चलने का हमें पता जी कि रोड साफ है, बिल्कुल अच्छा लगता है चलने में। हाँ, सुविधा मिलती है हमको जी। हमारे यहाँ पे डेली रोज भूस का काम है हमारा, अगर हफ्ते मान लगाओ आप, मई दो ट्रेलर रोज पलटते हैं इस खड्डे में। अच्छा जी, सड़के के अंदर गोड्डा गोड्डे खड्डे रहे जी, परेशानियों में, बिल्कुल अगर एक बार ट्रली पलट जाए तो 4-5 घंटे लग जाए हमारे, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसका जिम्मेवार कौन है सर, किसको जिम्मेवार ठहराएंगे आप? बस जो सरकार चल रही है। क्या कुछ करना चाहेंगे भाई साहब? वो जी कहना क्या जी, सरकार के अंडर में सारा काम, सरकार जिम्मेदार है जिसकी। हाँ जी, उधर तो धूंध है जी, उधर खड्डे हैं जी बड़े बड़े, क्या दिखा जी, धूंध में खड्डे, स्पेंडर का ट्रैक्टर का स्पेंडर तोड़ रही जी, कहीं मोटरसाइकिल गिर जा जी, कहीं टायर पलट रही जी, बताओ गुड्डो उड्डो खड्डे हो रहे, इसका जिम्मेदार सरकार ही है जी, ठीक कराना चाहिए जी। तो मैं यहाँ पर शासन और प्रशासन से अपील करना चाहूँगा, यहाँ पर जनता की बात को सुना जाए और यहाँ पर इस रोड पर जल्द से जल्द कार्य किया जाए, क्योंकि रोड की हालत यहाँ पर बहुत खस्ता है। और सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़े बड़े वादे कर रही है, तो उन वादों और दावों के बीच में कहीं ना कहीं ये छवि जो है सरकार की काफ़ी धूमिल होती नज़र आ रही है। सड़क रोड बहुत ख़राब है, जनता को बहुत परेशानी है, ये आप देख ही रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। चलिए थोड़ा सा ट्रक वाले भाई से भी पूछ लेते हैं क्या कुछ हालत है पिछले रोड की, जो जहाँ से चल के आए और बड़े ही आराम से लेकर आ रहा है। चलिए इस भाई से पूछ लेते हैं क्या कुछ है रोड की स्थिति जहाँ से ये आगे से आया, मतलब कि लालडांग से आया है और मैं लालडांग से थोड़ा क्लेसर की साइड में हूँ। चलिए इसको पूछ लेते हैं भाई को। रोड ठीक है जी? रोड ठीक आया आगे से? कैसी हालत है जी? कोई भी देखने वाला नहीं है रोड को। यहाँ से आगे पीछे कितना खराब है? लालडांग तो पूरा खराब पड़ा है, ऐसे ऐसे खड्डे पड़े हैं जितने। ठीक है सर, ठीक है। हमारा माल भी ऐसी है, दो में दो चक्कर लगाने पड़ते हैं, पूरा माल धरने गाड़ी पलटने लगी थी, पहले गाड़ी खराब हो गई। तो डेली आना जाना है, कभी कभार आते हो? चल रहे जी, ठीक है, थैंक यू। तो दर्शकों, आप देख सकते हो ये इस भाई ने अपनी व्यथा बताई। हरियाणा सरकार से मैं बार बार अपील करूंगा, विनम्र प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ इस रोड की तरफ भी देख लिया जाए और यहाँ पर लोगों की, पैसेंजर की जो है समस्याओं को थोड़ा हल्का किया जाए। शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं चैनल को